Do you know what is the role and responsibility of a safety officer? एक सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है साइट पे? यस सर, फर्स्ट तो सर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंप्लाइंग सेफ्टी पॉलिसी, सेकंड सर कंडक्ट गिविंग इंडक्शन ट्रेनिंग न्यू वर्कर वेचर कॉन्ट्रैक्टर, सर कंडक्ट टूल वर्क स्टॉल बिफोर जॉब एनी शिफ्ट, और सर इंश्योर परमिट टू वर्क सिस्टम, इंश्योर वर्कफेयर वर्क वर्क इंश्योर welfare facility at the workplace, sir job leader provide training observation unsafe act unsafe condition at the workplace and then eliminating and acceptable level carry out excessive okay. अच्छा आप मुझे ये बताइए जैसे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? It is the process of investigation to accident caused by behind the accident incident the happening agent. Accident investigation करने के पीछे का कारण क्या है? क्यों किया जाता है accident investigation? सर इसलिए किया जाता है कि वो खतरा जांच पड़ताल किया जाता है कि वो खतरा फिर से दोबारा घटित ना हो. क्यों दोबारा घटित ना हो इसलिए? यस सर, वैसा खतरा फिर से दोबारा घटित ना हो. वो घटना क्यों हुआ इसके बारे में जानने के लिए क्या करते हैं? किस कारण से हुआ जैसे उसके कारण को पता करते हैं सर, क्या उसमें अनसेफ एक्ट है अनसेफ कंडीशन है इसका पता करते हैं हर उनका. अच्छा ये आप बता रहे हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन. यस सर, इसको थोड़ा डीपली समझाइए ये क्या होता है. सर अनसेफ एक्ट ये होता है कि जो हम लोग खुद के द्वारा गलती करते हैं उसे अनसेफ एक्ट करते हैं, और अनसेफ कंडीशन जो कंडीशन और सिचुएशन के अनुसार से होता है तो उसे अनसेफ कंडीशन. सर दोनों में कुछ एग्जाम्पल वगैरह आप बता सकते हैं ताकि ये क्लियर हो कि अनसेफ एक्ट क्या होता है और कंडीशन क्या होता है? सर अनसेफ एक्ट जैसे सर शॉर्टकट रास्ता हम चूज करते हैं सर, शॉर्टकट सर किसी भी ऊपर लिफ्टिंग शिफ्टिंग चला उसके नीचे हम खड़ा है जो भी अनसेफ एक्ट हो. अनसेफ कंडीशन में सर जैसे हॉट या कोल्ड टेम्परेचर, लाइटिंग की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ये सब से हो कंडीशन. ओके ठीक. अच्छा अब ये आप मुझे बताइए टेंडम लिफ्टिंग क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं? सर क्या होता है टेंडम लिफ्टिंग? ये होता है सर कि जो किसी ऑब्जेक्ट को दो क्रेन के द्वारा लिफ्ट से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है ले जाया जाता है उसे टेंडम लिफ्ट करते हैं. एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है उसे टेंडम लिफ्ट. ठीक टेंडम लिफ्टिंग आपने बता दिया. ठीक है अगर क्रेन से लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है जी सर, तो लिफ्टिंग ऑपरेशन से पहले आप क्या क्या क्रेन में चेक करेंगे? सर क्रेन का पहले तो सर्टिफाइड चेक करेंगे और टीपीआई से सर्टिफाइड है या नहीं, और सर दूसरा उसमें चेक करेंगे सर एसएलआई लगा हुआ है या नहीं, उसके केबिन में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है या नहीं, और उसके जो टायर है उसमें प्रेशर जो है उसमें सही है या नहीं है उसका चेक करेंगे सर, और जो उसका जो बूम है सही तरीका से काम कर रहा है या नहीं कर रहा उसका चेक, और जो ऑपरेटर है वो ट्रेंड होना चाहिए. परमिट सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं? सर परमिट सिस्टम एक कागजाती दस्तावेज होता है जिसे हम किसी हाई रिस्क काम को करने के लिए लेते हैं. कितने टाइप के होते हैं परमिट? तीन टाइप के होते हैं. कौन कौन से? हॉट वर्क, कोल्ड वर्क और हाई रिस्क. ओके हाई रिस्क में कौन से एक्टिविटी आते हैं? सर हाई रिस्क में कंफाइनमेंट स्ट्रेस वर्क एट हाइट सर लिफ्टिंग शिफ्टिंग इट इज. ठीक अगर आप लिफ्टिंग करवा रहे हैं जी सर, तो क्या क्या प्रिकॉशन जरूरी है? सर वहाँ पे सर सबसे पहले SWL पे काम होना चाहिए, उसके बाद जितने भी वर्कर्स होंगे कॉम्पिटेंट होने चाहिए, और कोई भी वर्कर 45 kg नहीं सर 35 kg से ज़्यादा एक व्यक्ति नहीं उठाएगा सर लिफ्टिंग करते समय. और सर जितने भी वर्कर काम करें सब सूटेबल PPE पहन करके. ठीक उसके लिए भी परमिट भी टेकन कर. सेफ्टी ऑडिट क्या होता है? सेफ्टी ऑडिट सर एक टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है जिसमें सर
मैनेजमेंट सिस्टम का जांच पड़ताल किया जाता है। मैनेजमेंट सिस्टम का जांच पड़ताल किया जाता है। जांच पड़ताल किया जाता है किस रिगार्डिंग? कैसे किस रिगार्डिंग जांच पड़ताल किया जाता है? तो इसका मैनेजमेंट सिस्टम में कितने एक्सीडेंट या इंसिडेंट कुछ भी खतरा या उसके जांच पड़ताल किए जाते हैं, कैसे काम चलते हैं इसके बारे में। चलिए ठीक है, और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।